क्या कर रहे हो, मैं कब से बुला रही हूँ, लो उठो पहले। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दोनों भाई कहाँ हैं, दूसरा कहाँ है? ये आगे भागे ना। हम जरा यहाँ चले गए स्कूल और मैंने रखा है दूध गर्म होने के लिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना, मेरे पास फ्राई रखा हुआ था तो मैंने कहा ये फ्राई कर दूँगी, मैंने किया हुआ रखा था ये चिकन, मैंने कहा मैं फ्राई कर देती हूँ तभी ठीक है, अदरवाइज़ ये रखा ही रह रहा है। इसको यहाँ रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा फिर बॉक्स में डाल दूँगी। खुशी खुशी मैंने ये सारी पैकिंग की थी और अब इसको अनपैक करेंगे। इस बैग के इतने सारे कपड़े जो हैं वो हमने नहीं पहने थे, और इस बैग में जो लेके जो हैं ये गंदे कपड़े हैं, और काफ़ी सारे कपड़े ऐसे हैं जो हमने नहीं पहने हैं, क्योंकि हमने ना दो शादियों का प्लान बनाया था कि हम दो शादियों में जाएंगे, लेकिन गई नहीं क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर मैं वापस आ गई एक ही शादी अटेंड करके। मैं सारे कपड़े जो हैं वो सेट कर रही हूँ, जिसके जहाँ पर रखने हैं सबके अलग अलग करके रख रही हूँ। और ये सब करते करते मुझे बहुत तेज़ की भूख लगाई, तो मैं चलती हूँ किचन में। वैसे मैंने एग बॉइल करके रखे हुए हैं, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, लेकिन एग बॉइल किए हुए थे कि जब मैं खाऊँगी तो उस वक्त बना लूँगी। फ़िलहाल मुझे लग गई है भूख, तो अब मैं बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता। पहले इसको मैश करेंगे, उसके बाद इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करेंगे। एग मैश हो चुके हैं अच्छे से, तो अब इसके अंदर जाएगा मेयोनीज़। जिंग 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 जिंग, ये आपके ऊपर है आपको कितनी डालनी है, मतलब आपको ज़्यादा क्रीमी सा चाहिए है कैसा चाहिए उस हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। वैसे मैंने इसके अंदर एक टेबल स्पून डाल दिया, चीज़ ज़्यादा नहीं डालूँगी, चीज़ मैंने डाली है हाफ टी स्पून, दैट्स इट। बच्चे खाते हैं ना तो ज़्यादा डालती हूँ मैं, अपने लिए इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ। ये हो नहीं सकता। पेपरिका पाउडर बहुत थोड़ा सा डाला है, क्वार्टर टी स्पून से भी कम। एंड मिक्स हर्ब्स, नहीं ओरिगैनो है, सॉरी मिक्स हर्ब्स नहीं है, ये ओरिगैनो है, ये थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। एंड सम सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर क्वार्टर टी स्पून से भी कम। अब इसको मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। अब इसको टेस्ट करना बनता है। मुझे एक प्लेट लेते हैं। अभी एक ही बनाऊंगी और इसको खाऊंगी, अगर उसके बाद ज़रूरत होगी तो बनाऊंगी। और यहाँ आऊँ तो देखो कितना फैला हुआ है। इसके साथ कॉफ़ी भी बनाती हूँ, गुड आइडिया। अभी खाते पहले कॉफ़ी। दूध उबल चुका है, ये हमारी कॉफ़ी मग। ओह नो, इतनी काफ़ी है। अब हुआ ना नाश्ता रेडी। जो इसके चंक्स हैं अंडे के, देखो कितने बड़े बड़े से दिख रहे हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। कॉफी गर्म है। नाश्ता करके, घर के सारे काम करके फिर मैं निकल गई मार्केट के लिए। और मैंने क्या किया है कि मैं सबसे पहले गई क्रॉकरी देखने लग गई, क्योंकि थोड़ा दिल को ही बहलाना था ना, घर में बोर हो रही थी, इसलिए फिर मैं चली गई डॉक्टर के पास। पीठ में खुजली करने वाला कुछ कुछ कुछ। वाओ, चटनी है सॉस के लिए, बेस्ट है ये। ठीक है, गिलास है, ये आई थिंक गिलास है। ये एक पीस कितने का है? 20 का। ये परफेक्ट है। आप लोग को एक मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये चीज़ें मैंने कलेक्ट की थी,
तो उनको कलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद जब मैं कैश काउंटर पे गई, मैंने कहा इसके अब पे कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं सीधे डॉक्टर के पास और उसके बाद फिर हम घर चल जाएंगे। एक्चुअली क्या था ना कि ये डॉक्टर के पास थी भीड़ और मुझे ना बिल्कुल वहाँ बैठा नहीं जा रहा था, मेरे से बस ये था कि मैं जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाऊँ और घर जाऊँ। तो मैंने कहा चले दिल बहलाते हैं और टाइम पास करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ आ जाती हूँ, कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी ले लेंगी, क्योंकि लेनी तो थी ही कुछ ना कुछ चीज़ें, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही थी, मैं लेने लग गई, जैसे कि मग वगैरह, ये चीज़ भी काफ़ी अच्छा था ये, तो लिया। और फिर उसके बाद जब मैं कैश काउंटर पहुंची तो मैंने सारी चीज़ें हटा दी, बस एक ही दो चीज़ें ली, क्यों, क्योंकि मैंने कहा नहीं रहने देते हैं, अभी किचन में इतना स्पेस नहीं है रखने के लिए। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, चॉपर्स के तरह तरह के प्लेट वगैरह थे, तो ये सबसे अच्छा लगा। लेकिन ये तो हमें दिया था जो उन्होंने फ्रेश पीस दिया था, इतनी जल्दी है, लाओ मुझे दिखाओ। मैं ये इसमें आ गई हूँ घर पर और मैं लाई अब दो वो ऐसे जो आते हैं ना गेम में, नहीं गेम अपनी लेकर आई मैं इसके लिए तो मैं इसलिए चेकअप के लिए गई थी डॉक्टर के पास। अब कल जाऊंगी, अल्ट्रासाउंड लिखा है डॉक्टर ने, तो वो कल कराऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा पेट में तकलीफ रह रही है, जिस वजह से मैंने सोचा चले चेकअप कराना बेस्ट है, ऐसे दवाई खा रही हूँ तो कभी आराम रह जाता है, एक दिन के लिए भी दवाई छोड़ दो तो फिर वही चीज़ें फिर से शुरू हो जाती है, तो इसीलिए मैं सोचा पहले चेकअप कराती हूँ। सही से हो रहा ना, लेकिन भरने वाला है भर भी। ये मेरा दुपट्टा लेके गया और देखो क्या कर रहा है इसके साथ में, कहाँ जा रहे हो? अच्छा बैग लेके जाना है तो मेरा दुपट्टा तो दे जाओ। नहीं तरबूज एंड खरबूज, नीचे बैठो कि मैं भी आ रही हूँ। रैयान अपना उर्दू का काम कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद ये जाएंगे ट्यूशन दोनों भाई। एक हाथ से अंडा तोड़ रही हूँ गाइस, एक हाथ से, और मैं बना रही हूँ अभी पिज्ज़ा के लिए टो, क्योंकि दो दिन से मेरे बच्चे जो है पिज़्ज़ा की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ईस्ट को रख दिया था परमानेंट होने के लिए, और देखो कितना ज़्यादा ईस्ट जो है अच्छे से हो गई है। इसको मिक्स करके फिर मैं डालूँगी इसमें। मैं रख दूंगी इसके अंदर ताकि जल्दी सही हो जाएगा। इतनी मेहनत के बाद देखो गाइस एक पिज़्ज़ा रेडी किया है मैंने, अभी इसमें मैंने देखे पनीर लोडेड करके डाला हुआ है। अब जरा इसको करते हैं ऑन और ये रखते हैं इसके अंदर। मैं सोच रही हूँ माइक्रोवेव में ही बनाऊंगी। ओके इतनी देर में दूसरा पिज़्ज़ा रेडी करूँगी। चलो ये पापा को दे देती हूँ, दूसरा बन रहा है फिर उसमें से दे देंगे तुम लोग, ठीक है? मम्मा भिंडी बना रही है। यस मैंने सोचा आज वैसे मुझे कोई सब्जी बनानी नहीं थी, लेकिन क्या था कि भिंडी मेरी ख़राब हो जाती, हरी सब्जी सबको पता है जल्दी ख़राब हो जाती ना, इस वजह से मैंने कहा पहले भिंडी बना देती हूँ उसके बाद रोटियां बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है पर बनाऊंगी ज़रूर। हमने खा रहे हैं बैंगन का भरता, आलू सॉरी चावल आलू और यह भिंडी, सेम प्लेट मैंने इनकी भी लगाई हुई है। गाइस जिम से अब आ रहे हैं और साथ में लेकर आए हैं ये कबाब विद ग्रेवी, लेकिन हम नहीं खाएंगे, बच्चे खाएंगे रोटी से, मैं तो ये खाऊंगी। और ये है हमारे सलाद, बोलून खा लिया, ये सालन रखा था बच्चों ने ये खाया। अभी करते हैं ये वीडियो यहीं पर एंड, और गाइस प्लीज़ दुआ करिएगा हमारे लिए भी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।